नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न 6 हम करने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, इसमें हमें एक वृत्त दिया है, वृत्त के बीच में एक समबाहु त्रिभुज दिया है, एक वृत्ताकार मेजपोष, एक वृत्ताकार गोल मेजपोष है जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये वृत्त का सेंटर है, तो यहाँ से ये जो है ये 32 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ये ओ से सी, ये इसका केंद्र O मान लेते हैं, तो O से B और O से C ये दोनों ही 32-32 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। इनके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। कितनी है हमें नहीं पता, तो हमसे कहा गया है कि त्रिभुज को छोड़ते हुए बाकी जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है जिसको मैं हरा 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 शेड कर रहा हूं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपके क्वेश्चन में डिजाइन कुछ और तरह का बना, मगर क्या डिजाइन बना उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र से हम बीसी पर एक लंब खींच लेंगे इस प्रकार से, इसका नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, तो अब ये एक ओ डी बी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो हम इसको लिखना भी है हमने, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं दिया था, तो हम लिखते हैं, मान लो ओ वृत्त का केंद्र है, उसके बाद ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ किया, ओडी जो कि लंब है बीसी पर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओबीडी, त्रिभुज ओ बी डी, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज क्योंकि ये जो कॉस 60 डिग्री बराबर होगा ओडी बटा ओबी के, ओडी बटा ओबी के, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और ये बराबर होगा ओडी बटा ओबी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओडी हमें नहीं पता है, लेकिन ओबी, ओबी यानी इस वृत्त की त्रिज्या, वो हमें पता है 32 सेंटीमीटर। तो यहां से ओडी किसके बराबर आ गया, 32, एक से गुना हो जाएगा, 32 के एकम 32 बटा 2। यहां हमने क्या किया, 32 को इधर ले गए, 32 यहां भाग हो रहा था, उधर जाके गुना हो गया, 32 गुना 1/2, तो 32 को 2 से भाग करने पे आ गया 16। यहां से हमें प्राप्त हो गया ओडी बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये ओडी जो है 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 60 होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर बीडी को माना हमने, बीडी बटा ओबी। ठीक है बच्चों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ये बराबर होगा बीडी बटा ओबी, ओबी है 32, तो यहां से जो बीडी है वो आ जाएगा 32√3/2, 32√3 से गुना हो गया बटा 2, 2 से 32 कट गया 16, यानी कि बीडी आ गया 16√3। ठीक है बच्चों, ओडी और बीडी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये डिजाइन का एरिया किसके बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर,
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट तीन बटा चार ए स्क्वेयर। अब बच्चों ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वेयर, पाई है बाईस बटा सात गुना आर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है बत्तीस, तो यानी बत्तीस गुना बत्तीस माइनस यहां पर है रूट तीन बटा चार गुना ए स्क्वायर, ए यानी त्रिभुज की भुजा। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमने अभी निकाला बीडी, बीडी है सोलह रूट तीन, यानी बीडी है सोलह रूट तीन, तो पूरी भुजा बीसी किसके बराबर होगी, बीडी के दुगने के बराबर, जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा, तो यानी कि बीसी जो है, ये पूरी भुजा बीसी जो है किसके बराबर होगी, बीडी के दुगने के बराबर। बीडी है सोलह रूट तीन, तो बीसी हो जाएगा बत्तीस रूट तीन के बराबर। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसे हल करते हैं। ये हो गया बाईस बटा सात गुना बत्तीस गुना बत्तीस। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हम इसको गुना करके देखते हैं। तो बच्चों 22 गुना 32 गुना 32, इनको जब हम गुना करते हैं तो ये आता है 22,528 बटा 7 माइनस, यहां देखेंगे रूट तीन गुना यहां पर 32 रूट तीन जो है ये दो बार आएगा, क्योंकि ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर है ना, तो ये होगा 32 रूट तीन ऐसे सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रूट तीन गुना रूट तीन, तीन तीन गुना 32 गुना 32। अभी हम इसको करके देखते हैं, 32 गुना 32 गुना तीन, इसमें से यदि हम चाहें तो चार से एक 32 को काट भी सकते हैं 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 768 के बराबर, किसके बराबर, 768 के बराबर, यानी कि 8 रूट तीन गुना रूट तीन हो गया 3, 8 थी 24, 24 गुना 32 ये हमारे पास आ गया 768। साथ में इसके ये वाला एक रूट तीन है, ये वाला रूट तीन, रूट तीन नीचे कुछ नहीं है, तो ये जो है साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है यही हमारा आपकी एनसीईआरटी किताब में यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या किया, हमें एक गोल मेज पोस्ट दिया है जिस पर एक समबाहु त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज को छोड़कर बाकी वाला हरा वाला शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल हमने निकालना था। हमने क्या किया, सबसे पहले वृत्त का केंद्र माना ओ, ओ से बीसी पर एक लंब खींचा डी, तो इसे ओ डी बी है, एक त्रिभुज बना, साइन और कॉस लगाने से हमें बीडी की वैल्यू पता लगी और ओबी की वैल्यू पता लगी, ओबी तो हमें पता ही था, ओडी की वैल्यू पता लगी। इससे बच्चों हमने क्या किया है कि हमने डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला, वो होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे जब हमने आगे कैलकुलेट किया तो हमारा ये उत्तर आया। ये उत्तर बड़ा है काफी सारा, लेकिन आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी की पुस्तक में ऐसे ही ये उत्तर दिया गया है, इसीलिए हमने भी इसको आगे कैलकुलेट नहीं किया है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छे से समझ आए तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।